अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ ब्रेड पकोड़ा। सबसे पहले मैंने दो अदद आलू लिए नरमीने साइज के, इनको उबाल के मैश कर लिया। हाफ टी स्पून मैंने साबित ज़ीरा डाल रही हूँ इसमें, 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबल स्पून जितना कुटा हुआ धनिया डाल दिया, धनिया मैंने बारीक चॉप कर लिया था, और 1 टेबल स्पून जितना पुदीना, 1 टीस्पून जितना चाट मसाला। अब इन सबको मैं मिक्स कर लूँगी। ये आलू की स्टफिंग तैयार है। कोटिंग के लिए हमें चाहिए 1 कप बेसन और इसमें 1/2 टीस्पून जितना मीठा सोडा, 1 टीस्पून लाल पीसी मिर्च, 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून नमक। ये बारीक चॉप किया हुआ पुदीना है, मैंने हाथ से चॉप कर लिया था, ये 1 टेबल स्पून भर के। हरा धनिया है बारीक कटा हुआ, ये भी 1 टेबल स्पून भर के। बस अब इनको मैं मिक्स करूँगी। साइनिंग के लिए मैं 1 टेबल स्पून जितना तेल शामिल कर रही हूँ। उसमें पानी शामिल कर रही हूँ, उसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, उसको ठीक रखना है। ये कोटिंग के लिए हमारा बैटर तैयार है। अब ये 2 डबल रोटी के स्लाइस है, इसमें एक में मैं केचप लगाऊंगी और एक में हरी चटनी। अच्छी तरह लगाना है। अब ये दूसरा स्लाइस है, इसमें मैं हरी चटनी लगा दूँगी। ये देखिए व्यूअर्स, एक में केचप और एक में हरी चटनी। अब इसके ऊपर मैं आलू का बैटर लगाऊंगा। ये मैंने आलू का बैटर जो ये बनाया था मसाला, ये मैंने इसमें लगा दिया है। अब इसको बंद कर दूँगी। ऊपर से थोड़ा दबा देंगे। अब इसके 2 पीस ये देखिए बस इस तरह बन गए। अब ये सारे मैंने तैयार कर लिए। अब इसको मैं फ्राई करूँगी। अब इसको मैं इसमें डिप करूँगी, अच्छी तरह डिप करूँगी इसको। ये देखिए अच्छी तरह हो गया। अब मैं इसको फ्राई करूँगी, ये सारे इसी तरह कर लूँगी मैं। ये देखिए व्यूअर्स, एक साइड, ये देखिए सर इसका पीछे से कलर कितना अच्छा है, इसको मैंने पलट लिया। ये देखें व्यूअर्स, ये हमारे रेडी है। अब इसको मैं निकाल रही हूँ। ये देखें व्यूअर्स, हमारे ब्रेड पकौड़ा रेडी है। इसका कलर देखें कितना अच्छा आया है। आप इसे ज़रूर घर में ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएंगे। आई होप कि आपको आज की हमारी रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट्स करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।